था, अब आप ध्यान दीजिए, इससे पहले मैथ की वीडियो बनाई जा रही थी और कुछ लड़कों ने इस मोबाइल नंबर से फ़ोन करके रीजनिंग की बात की, तो आज मैं रीजनिंग से संबंधित वीडियो बना रहा हूं और रीजनिंग के अंतर्गत रक्त संबंध चैप्टर से आज आपको प्रश्न बताए जाएंगे, रक्त संबंध अर्थात ब्लड रिलेशन। और यह भी मैं बता दूं कि हमारे चैनल का नाम है सबसे ऊपर, हर वीडियो में सबसे ऊपर चैनल का नाम लिखा जाता है, डॉक्टर मुद्रिका सिंह यादव, और हमारा मोबाइल नंबर है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि जब जब मैं अपना वीडियो बनाऊँ तुरंत आपके पास पहुँच सके, और बेल आइकन अर्थात आल वाली घंटी दबा दें, ताकि जब जब वीडियो बने तुरंत आपके पास पहुंच सके। और आप ध्यान दीजिए, रक्त संबंध अर्थात ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए संतान उत्पत्ति के आधार पर बनाए गए आपसी मधुर सद्भावनापूर्ण सुदृढ़ रिश्ता या संबंध को कहते हैं। इससे संबंधित प्रश्न लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंध दिए गए होते हैं, तथा इन्हीं संबंधों के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया होता है। उसके आधार पर जिस तरह का संबंध पूछा जाता है, उस तरह के संबंध को हम ज्ञात कर लेते हैं। अब आप देखिए, ब्लड रिलेशन अर्थात इससे संबंधित आपका ये पहला प्रश्न है, पार्ट वन के अंतर्गत आपका ये पहला प्रश्न है। आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास अवश्य पहुँच सके। अब आप इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए, पहले रीजनिंग के प्रश्नों को विशेष तौर से पढ़ा जाता है, कामा सेमीकालन खड़ी पाई इत्यादि का विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा पढ़ने में रुकावट होती है, तब आपको भाव या उसका सेंस समझ में आएगा। अब आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए, बी ने ए से कहा कि मैं तुम्हारी माँ का बेटा हूँ, पर तुम मेरे भाई नहीं हो। ए का बी से किस प्रकार का रिश्ता है? आप ब्लड रिलेशन में एक छोटा सा चित्र प्रश्न के अनुसार बना लेंगे तो आप उत्तर तक सीघ्रता से पहुंच सकते हैं, जैसा कि मैं बनाया हूँ, आप देख लीजिए। बी ने ए से कहा, बी ने ए से कहा कि मैं शब्द आया हुआ है बी के लिए, यानी कि मैं तुम्हारी माँ अर्थात ए की माँ का बेटा हूँ, अर्थात बी कह रहा है ए से कि मैं, यह ए है, बी ने ए से कहा कि मैं तुम्हारी माँ का बेटा हूँ। अब आप ध्यान दीजिए, बी ने ए से कहा, तो जो तीर लगी हुई है ए की तरफ, इसका तात्पर्य यह है कि बी ए से कह रहा है, और ए से तीर माँ की तरफ लगी हुई, इसका मतलब कि ए की ये माँ है, और इधर तीर नीचे को लगे, इसका मतलब कि इसका ये बेटा है। अर्थात प्रश्न में बी ने ए से कहा कि मैं, यानी बी ने ए से कहा मैं अर्थात बी तुम्हारी माँ का बेटा हूँ, पर तुम मेरे भाई नहीं हो। यानी ए को बी कह रहा कि तुम मेरे भाई नहीं हो। ए का बी से किस प्रकार का रिश्ता है? पुनः आप देखें, बी ने ए से कहा कि मैं अर्थात बी तुम्हारी माँ का बेटा हूँ, पर तुम मेरे भाई नहीं हो। यानी बी ए को कह रहा है कि मैं तुम्हारी माँ का बेटा हूँ, लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो, इसका मतलब कि बहन हो, यानी कि ए जो है बी का बहन है, बहन भाई बहन
यदि दो खास भाई बहन है तो उनकी माँ एक ही होगी, इसलिए बी का ये जो है बहन होगी, अर्थात आपका ऑप्शन बी सही होगा। रीजनिंग में पहले प्रश्नों को विधिवत पढ़ लिया जाता है और जैसा प्रश्न कहता है उसके अनुसार किया जाता है। पुनः देखें आप, बी ने ए से कहा कि मैं तुम्हारी माँ का बेटा हूँ, अर्थात बी जो है ए की माँ का बेटा है, पर तुम मेरे भाई नहीं हो। ए का बी से क्या रिश्ता है, यानी कि ए जो है बी का बहन लगेगा, यानी लगेगी, बहन लगेगी, भाई नहीं, बहन लगेगी, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। दूसरा प्रश्न है, एम कामा एन तथा ओ की माता है, एम एन तथा ओ की माता है, यानी कि ये जो एम है एन की भी माता है और ओ की भी माता है, इसका मतलब ओ, अब आगे और प्रश्न पढ़िए, एम कामा एन तथा ओ की माता है, इसका तात्पर्य है कि ये जो एम है एन की माता है, जो एरो लगा इसका मतलब कि इसकी ये माँ है और ओ की भी माता है। यदि पी ओ का पति हो तो, यानी ओ का ये पति है, इसका मतलब कि इसकी ये पुत्री हुई, जब ये पुत्री हुई तो ओ की यह माता है, ये है एम की माता है ही, इसलिए प्रश्न में कह रहा है कि यदि पी कामा ओ का पति हो, यानी ये पी जो है ओ का पति है, इसका तात्पर्य हुआ कि एम की ये पुत्री है, तो एम पी के लिए क्या है, यानी कि एम जो है इस पी का क्या लगेगी या लगेगा। ध्यान दें, जब एम की ये पुत्री है तो पुत्री का पति इसका दामाद हुआ, जब ये दामाद हुआ तो एम जो है इस पी की सास हुई, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है। यदि ये प्रश्न आपको समझ में विधिवत आया हो या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये रीजनिंग आप पार्ट वन के अंतर्गत पढ़ रहे रक्त संबंधित चैप्टर से, अब ये रीजनिंग आपको प्रतिदिन इसका वीडियो बनाया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें, ताकि जब जब मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा आपके पास तुरंत पहुंच सके। और अभी मैं बता दूं कि हमारे यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे बैंक, SSC, रेलवे, पुलिस, टेट, CTET, एयर फोर्स, नेवी, नवोदय विद्यालय पुरुष परीक्षा, CHS विद्यालय पुरुष परीक्षा इत्यादि, सैनिक विद्यालय पुरुष परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। इसके अतिरिक्त कक्षा 9, 10, 11, 12 गणित, विज्ञान, अंग्रेजी की भी कक्षाएँ चलाई जाती हैं। यदि आपको इसके संदर्भ में कुछ विचार विमर्श करना हो तो हमारा मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 94-15-88-79-29 और ये चैनल का नाम है डॉक्टर मुद्रिका सिंह यादव, आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।